हेलो एंड नमस्कार, मैं अनु दीवान, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 1। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सुशील कुमार। हेलो सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। यस मैम, वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से अगर रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर, या फिर आप हमें अपने क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं dth.class9@cit.nic.in। बट बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, आई मस्ट अनाउंस मेक अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू, एज एवरीवन इज अफेयर अबाउट इंडिया G20 प्रेजिडेंसी and we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed movement in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam. That is, the world is one family. So, sir, before we get back to our session, let me just announce to our student that if they have any queries, because it's a live interactive session, they can call us on 8800440559 or also mail us their queries on dth.class9@cit.nic.in. So, students, the topic for today's session is Improvement in Food Resources Part 1. In this chapter, today we are going to talk about green revolution, white revolution, yellow revolution, different type of crops, crop improvement, variety crop production. So, sir, what all topic we are going to start with today? Yes, ma'am. So, I am welcoming you all in this wonderful session that is dedicated for the improvement in the food resources. So, as our students are well aware that the population of the world is increasing day by day. आपको पता होगा मैम कि पिछले 2022 में हम लोग नवंबर 15 पर जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 8 अरब हो गई थी, अर्थात 8 बिलियन लोग इस धरती पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि उनकी जरूरतों को, उनके खाने की या और जो भी उनके संसाधन हैं, उनकी जरूरतों को हम कैसे फुलफिल करेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसा कि आप बच्चे देख पा रहे हो इस स्लाइड में, कि हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो 1952 से लेके अभी 2023 चल रहा है। अभी लगभग माना जा रहा है इस बार का सेंसस अभी नहीं हो पाया है जनगणना वाला, लेकिन इसके पहले तक ये जो जनसंख्या का आंकड़ा था ये पुराने डेटा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास हो गई है। और ये बहुत बड़ी एक प्रकार की संख्या है, तादाद है। और अगर हम इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने की बात करें तो हमें और आपको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रयास करने पड़ेंगे, हमारे अन्नदाता को, हमारे वैज्ञानिकों को और हम सब साइंस कम्युनिकेटर और एज वेल एज हम सब साइंस टीचर्स को भी अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर हम बच्चे देखें कि ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है जिसकी वजह से आज हम और आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ी और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो कल्टीवेटेड लैंड थी, अगर हम 1950 के आसपास की बात करें तो उस समय से लेके 2023 के बीच की बात करें तो 25% जमीन बढ़ी जिसमें खेती करना और स्टार्ट किया गया। मतलब हम लोगों ने ऐसी ऊंचा जमीन को सही किया जहां पर फसलों को उगाया जा सकता था, ये सारा काम किया, या फिर फॉरेस्ट वाली जमीन पर भी लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो 25% इंक्रीज हुआ लैंड एरिया का इन टर्म ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। लेकिन ये देखा गया कि लगभग 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन की रेट देखिए 4 गुना ज्यादा हुई 1950 के आसपास से लेकर 2023 के बीच में।
अब ये प्रोडक्शन हर क्षेत्र में हमें और आपको देखने को मिला, चाहे वो अभी हम लोग बात करेंगे चाहे गेहूं, चावल, मक्का, जो इन सब फसलों की बात करें, या फिर चना, मटर, मसूर, अरहर, या फिर सरसों, या सीसम ऑयल, या सनफ्लावर ऑयल, या फिर हम मूंगफली का तेल, या फिर जो फिशरीज प्रोडक्ट थे। और इसके अलावा हम और आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में दूध का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ। ये जो सब संभव हुआ, इस संभव होने के पीछे एक प्लांट में कुछ कार्यक्रम चलाए गए। मैं कुछ कार्यक्रमों की जिक्र करना चाहूंगा जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर, एक रिवोल्यूशन के रूप में, एक क्रांति के रूप में हमारे देश में एक कार्यक्रम चला, और ये कार्यक्रम प्रेरित था मेक्सिको के एक बहुत ही सम्मानी और फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुए हैं, मिस्टर नॉर्मन बॉयलॉग। तो नॉर्मन बॉयलॉग साहब ने कुछ ऐसे फसलों का इजाद किया था जो गेहूं के पौधे थे जिनसे ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा था, और उनके शिष्य हमारे देश में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया और एम एस स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में ये जो भारत के अलग अलग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रयोग किए गए। और उस समय हमारे देश के यशस्वी राजनेता लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, उन्होंने नारा भी दिया था बच्चों, जय जवान जय किसान। और फिर बाद में अभी वर्तमान में हम और आप लोग देख रहे हैं कि उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जय विज्ञान जोड़ा, और अब हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया। तो ये जो वैज्ञानिकों का भी प्रयास इसके साथ जोड़ा गया, और फिर इतना अनाज का उत्पादन हो रहा है हमारे देश में कि ना केवल हम अपनी और आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि देश दुनिया के भी जरूरतों के लिए हम अनाज या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। तो इस पूरी रिवोल्यूशन को, जिसमें ऐसी फसलों के बीज बनाए गए जिन्हें हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या उन्नत विज्ञान तकनीक के द्वारा बनाए गए और वो किसानों को दिए गए जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, साथ में कीटनाशकों का उपयोग भी प्रेरित किया गया, और साथ में सिंचाई व्यवस्था को सुधार किया गया, जगह जगह कैनाल्स बनाए गए। तो ये सारी जो कहानी भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन की है, ये 1965 से लेके और 1975 और 80 तक चलती रही, और इसके बाद फिर हम लोग, आप लोगों ने देखा कि हमारी हम लोग कहीं ना कहीं से ग्रेन प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन और कहीं तो सीरियल प्रोडक्शन में एक प्रकार से सेल्फ रिलायंट हो गए। दूसरी तरफ हमारे देश में एक और रिवोल्यूशन हुई, इसको व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है बच्चों, और यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में हमारे देश के एक यशस्वी व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम मिस्टर वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक विजन देखा था और कल्पना की, और उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारे देश में व्हाइट रिवोल्यूशन आरंभ हुआ, और हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में आज बहुत ही अच्छे से ऑलमोस्ट सेल्फ रिलायंट है, और दुनिया को भी हम अपने तरफ से मिल्क प्रोडक्ट को दे पा रहे हैं। यह व्हाइट रिवोल्यूशन है, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का अधिक से अधिक उत्पादन किया गया हमारे देश में, और इसमें हमारे देश के किसानों ने बढ़ चढ़कर और आम व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। एक और रिवोल्यूशन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप जानते होंगे बच्चों कि हमारा देश बहुत सारे क्षेत्रफल में समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब उनकी सीमा, हमारे देश की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई है, और बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या में समुद्र से मिलने वाले प्रोडक्ट अर्थात फिशेज और एक्वा कल्चर और मैरीन कल्चर जो भी है, शेलफिश या फिश, उस पर वो डिपेंड है अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन चलाई गई, और इसके अंतर्गत हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में फिशेज का पानी के अंदर रीडिंग एंड ब्रीडिंग हुई, और आज हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया में भी इसको हम फिश को भेज पा रहे हैं लोगों के भरण पोषण के लिए।
आप जानते होंगे कि हमें आपको फैट की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, और जब हम और आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट अपने घर में बनाते हैं किचन में, तो हमें वो फैट कहाँ से आता है? सरसों से आता है, ग्राउंडनट ऑयल से आता है, सोयाबीन से आता है। ये जो ऑयल क्रॉप्स हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रिवोल्यूशन लाई गई भारत में, और येलो रिवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप हमारे देश में विशेषकर मस्टर्ड क्रॉप और सीसेल क्रॉप का बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ। किसानों को जागरूक किया गया, उन्हें अच्छे बीज दिए गए और उनको अच्छी उन्नतशील खेती के बारे में सिखाया गया, जिसकी वजह से आज हम बहुत हद तक अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ही रहे हैं, और साथ में अपने साथ साथ और देशों के लिए भी हम कहीं ना कहीं से यंग रेवोल्यूशन के माध्यम से जो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, उसके द्वारा हम दूसरे देशों को भी, उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं से उत्पाद दे पा रहे हैं। तो कुल मिला के बच्चों, आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये पूरा साइंटिफिक ढंग से ये कई प्रयास थे, और जिसकी वजह से जो आज हमारी आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एम्प्लॉय किया गया, और उसके आधार पर क्रॉप यील्ड बढ़ाई गई, किसानों को मिक्स्ड फार्मिंग सिखाई गई कि एक फसल के साथ आप जैसे अनाज वाली फसल बो रहे हैं तो उसके साथ साथ बीच में दलहनी या सरसों वाली फसल को भी बोइए, ऑयल क्रॉप भी बोइए, इंटरक्रॉपिंग करिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस करिए, कंबाइनिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाइए, जो दूध वाले पशु गाय भैंस बकरी इसका पालन करिए, पोल्ट्री फार्मिंग करिए जिसमें चिकन की रियरिंग एंड ब्रीडिंग बढ़ाए, फिशरीज और एज बी कीपिंग, आप सब लोग जानते होंगे कि जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, जिसके द्वारा हम हनी का प्रोडक्शन करते हैं, तो आजकल ये भी बहुत पॉपुलर वे है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रोडक्ट बी वैक्स और बी बनाने में सफल हो पाए एपीकल्चर के माध्यम से। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे और आप लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीरियल्स का उपयोग करते हैं। ये सीरियल क्या होती है? इन्हें हम आम भाषा में अनाज कहते हैं। सीरियल जैसे कि राइस, वीट, मेज, और आजकल लिखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट चलाया है, ये 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। ये मिलेट्स जो होते हैं ये मोटे अनाज कहलाते हैं। आपने बच्चों सुना होगा कोदो का नाम सुना होगा, ज्वार बाजरा का नाम सुना होगा, रागी का नाम सुना होगा, ये मिलेट्स होते हैं, और कई लोग इन्हें एंशिएंट क्रॉप कहते हैं, आम भाषा में इन्हें मोटा अनाज कहते हैं, और आजकल तो इन्हें सुपर फूड कहा जा रहा है। बच्चों क्यों कहा जा रहा है इनको सुपर फूड? क्योंकि इनके अंदर बैलेंस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में ऑयल्स भी रहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर रफेज खूब रहता है, मतलब फाइबर्स खूब होते हैं, इस वजह से ये हमारी इंटेस्टाइन या हमारी गट की सफाई भी करते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये जो सब कुछ आते हैं सीरियल्स के अंतर्गत, जिन्हें हम अनाज कहते हैं, और ये सीरियल्स मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। मुझे और आपको ये ऊर्जा देने वाले, एक प्रकार से जरूरत को पूरा करने वाली ये क्रॉप्स हैं। दूसरी तरफ वो क्रॉप्स जैसे आपने मटर की दाल को कभी खाया होगा, या चने की दाल, या मसूर को खाया होगा, इसके अलावा सोयाबीन का उपयोग किया होगा, या ग्राउंडनट का, ये जो क्रॉप्स हैं इन्हें हम पल्सेस कहते हैं, दाल वाली फसलें कहते हैं, दलहनी फसलें कहते हैं, और इन क्रॉप की वजह से हम और आपको दालें प्राप्त होती है, दाल से मुझे और आपको प्रोटीन मिलता है। आप जानते हैं ना बच्चों, मेरे आपके शरीर में अधिकतर भाग प्रोटीन है, मेरे बाल प्रोटीन के बने हैं, मेरी स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, मेरे नाखून भी प्रोटीन के बने हैं, मेरे अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक रेड कलर पिगमेंट, वो भी प्रोटीन है। तो हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन कहाँ से आता है? मेरे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, चाहे बोन्स हैं, चाहे कार्टिलेज हैं, अस्थि मज्जा से लेके मांस मज्जा, ये सारा बनाने में प्रोटीन मदद करता है, और ये हमें दालों से प्राप्त होता है। अगले जो क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हमें फैट की जरूरत पड़ती है, तेल वाली फसलों की जरूरत पड़ती है, तेल वाले पदार्थ की जरूरत, तो उसके लिए ग्राउंड नट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सब हमें और आपको कहीं ना कहीं से ऑयल देती हैं।
तो इससे हमें और आपको ऑयल प्राप्त होता है और फैट हमारे आपके भोजन का एक अभिन्न अंग है, ये भी एक प्रकार से एनर्जी गिविंग क्रॉप्स होती हैं। हम लोग अपने वेजिटेबल के साथ साथ अपने, आपने कभी रसोई में देखा हो बच्चों, तो बहुत सारे स्पाइसेस मसालों का उपयोग करते हैं। हम लोग अपने भोजन में बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, फल हो गए, ये हमें विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में इनसे कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, फैट भी प्राप्त होता है और प्रोटीन भी प्राप्त होता है। आपने देखा ना बच्चों, हम लोग जब कभी बीमार होते हैं तो हमारे आपके जो भी स्पाइसेस हैं, जैसे कि आपने दालचीनी सुना होगा या फिर काली मिर्च का नाम सुना होगा, ये हल्दी आपने बचपन से पिया होगा गोल्डन मिल्क के रूप में, तो ये जो स्पाइसेस हम लोग यूज करते हैं ये भी हमारे आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। हम लोग जो लाइव स्टॉक को पालते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, या भैंस, या फिर और जीव जो भी हम अपने बैल या जो भी कृषि में मदद करने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। उनके भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग बरसीन का इस्तेमाल करते हैं, ओट का, सूडान ग्रास का, और ये हम हमारे किसान बंधु, हमारे अन्नदाता इसे खेतों में उगाती हैं और इसके आधार पे जिसे हम आम भाषा में चारा कहते हैं, और चारे के द्वारा वो अपने जीव जो भी जंतु हैं उनके भरण पोषण का काम करते हैं। तो हम ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि ये जो अलग अलग क्रॉप है, आपने देखा होगा कोई क्रॉप को हम लोग गर्मियों के दौरान बोते हैं, किसी क्रॉप को हम सर्दियों में बोते हैं, तो ये जो क्यों होता है, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि बच्चों अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है, अलग अलग फोटो पीरियड की जरूरत होती है, मतलब कितना लाइफ का ड्यूरेशन हो। जैसे अभी गर्मियां चल रही, इस समय फोटो पीरियड ज्यादा है और डार्क पीरियड कम है। आप देखिए, अगर कभी देखिएगा तो लगभग अगर देखा जाए 24 घंटे में से 13.5 या 13-14 घंटे तक उजाला रह रहा है और बाकी टाइम तक अंधेरा, तो ये फोटो पीरियड ज्यादा है। ऐसे ही अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। तो हम सीजन के आधार पर क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ये ग्रुपिंग है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट फोटो पीरियड फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द डिफरेंट क्रॉप। जैसे एक ग्रुप रखा गया है जिसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। सो अभी देखिए, ये माह बच्चों चल रहा है लगभग जून के, अगर लगभग एक महीने के अंदर लास्ट वीक ऑफ जून में आप देखिएगा झमाझम बारिश होगी। इसके बाद जून जुलाई के आसपास आप देखेंगे, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में धान की फसल जिसे हमें चावल प्राप्त होता है, सोयाबीन, इसके अलावा उड़द जिसे हम ब्लैक ग्राम कहते हैं, मूंग, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट की फसल को बोया जाएगा, ये खरीफ की क्रॉप कहलाती है बच्चों। दूसरी तरफ रबी क्रॉप होती है, ये क्रॉप्स हम यूजुअली विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, नवंबर में इसे बोया जाता है और मार्च से लेके अप्रैल के पहले वीक में इसको काट दिया जाता है। जैसे कि गेहूं, वीट जिसे कहते हैं, ग्राम, चना कहते हैं, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, बार्ले, ये सब अलसी की फसल, ये सब हम लोग रबी क्रॉप के अंदर रख सकते हैं। तो अब आपको ये बात पता चली होगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड, क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज खरीफ क्रॉप, अनदर इज नोन एज रबी क्रॉप। अब सवाल उठता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर इम्प्रूवमेंट या क्रॉप्स के यील्ड में अर्थात उपज में बढ़ावा किस प्रकार से किया, तो क्रॉप की जो उपज है इसको बढ़ाया जाता है तीन अलग अलग मेन एक्टिविटी के द्वारा। पहले प्रकार की एक्टिविटी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहलाती है बच्चों, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और हमने क्रॉप की वैरायटी अच्छी अच्छी बना ली, क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, और हमें और आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा जिससे कि हमारे
क्रॉप में कहीं से भी कीड़े ना लगे और क्रॉप को जो हम काट के लाए अपने घर में तो फिर उसको हमें अच्छे से मैनेजमेंट करके प्रोटेक्ट करके उसकी अच्छे से फिर हमें स्टोरेज भी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग वन बाई वन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे क्रॉप वेराइटी। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे आपको बताना भी चाहूंगी कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्टूडेंट से कि उनके पास अगर अपने ये नोट साथ साथ तैयार करते रहें, क्योंकि अगले सत्र में हम जब भी सर के साथ जुड़ेंगे तो आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। सर हम शुरू का कंटिन्यू करते हैं, बाकी का जितना समय हमें हमारे पास बचा है हम बच्चों को बाकी की जानकारी देते हैं। तो मैम मेरे पास 1 मिनट है, 2 मिनट? ओनली 1 मिनट सर। ओके, तो बच्चों आज आपने जाना कि हमने अलग अलग मेथड को अपनाकर क्रॉप वैरायटी के इंप्रूव करने की कोशिश की, और एक बहुत ही पुराना मेथड है और आप जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट लेते हैं और उनमें एक देखा जाता है कि अच्छा करेक्टर कौन सा है, जैसे यूजफुल या डिजायरेबल ट्रेट देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पौधे में डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस है, बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता है, या उसमें ज्यादा उपज वाला गुण है, और तो ऐसे 2 पौधों को हम लेते हैं, फिर उनके बीच में संकरण कराते हैं जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इसके द्वारा हमें और आपको ये ऐसा प्लांट प्राप्त होता है जिसके अंदर वो डिजायरेबल ट्रेट है वो पहुंच जाता है जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है या ज्यादा उपज वाला। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है इंटर वेराइटल, जिसमें बिटवीन द डिफरेंट वेराइटी क्रॉस करवाया जाता है प्लांट्स के बीच में। दूसरा इंटर स्पेस पे, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। और तीसरा होता है इंटर जेनेरिक, जिसमें 2 डिफरेंट जेनरा वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। और कुल मिला के इसके द्वारा क्रॉप की वेराइटी का इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिससे कि हमें और आपको डिजायरेबल ट्रेट मिलते हैं और उससे हमारी उपज बढ़ जाती है, हमारी फसलों में रोग के प्रति लड़ने की क्षमता आ जाती है, या हमारे अंदर जो भी जो हमने करेक्टर चूज किया है उनके टेस्ट बढ़ाने के लिए किया है, तो वो हम और आपको देखते हैं। सो दिस इज नोन एज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल सर, अभी हम यहाँ पे ही अपना सत्र को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बाकी की जो भी हमारी जानकारी है, चैप्टर है, हम इसे अगले सत्र में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके पास अगर आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए हो तो इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और साथ ही ईमेल आईडी है dth.class9.cit@cit.nic.in। इनके ऊपर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सर हमारे साथ रहते हमारे साथ जो हैं वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सर आज के सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग लेट मी जस्ट अनाउंस दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द करंट ईयर आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। द टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी सेल्स काउंटर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी। दीज सेल काउंटर will be functional on all working day, on all weekdays including gazetted holidays, Saturdays and Sundays from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place an order for online from our website ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fee. And if you want the soft copy of the books in the PDF, they are available on our NCERT, Deeksha and E-Pathshala website and mobile apps. Please visit the NCERT website to know more about the authorized dealers. Thank you for the session. Please don't go anywhere. We will be right back soon.